अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू सिंपली कुकिंग। आज हम बना रहे हैं बेसन का इंस्टेंट ढोकला, जो कि सिर्फ बेसन से बनेगा और हम इसको माइक्रोवेव में बनाएंगे, जो कि बहुत जल्दी बन जाता है। इसके लिए हमने 1 कप बेसन लिया है। जब भी हम बेसन का घोल बनाएं तो हमें हमेशा बेसन छान लेना चाहिए, जिससे कि जो हमारा बैटर है वो लम्स फ्री बने, उसमें कोई गुठलियाँ ना पड़ें। यहाँ हमने बेसन को छान लिया है पहले, और अब यहाँ पर 2 हरी मिर्च और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, इसको पेस्ट बना के इसमें ऐड कर लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, टेस्ट के लिए है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल ना डालें, सिर्फ पानी से ही इसका बैटर तैयार करें। पानी एक बार में पूरा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें। थोड़ा सा पानी डालें और बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करें, फिर थोड़ा पानी डालें, फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। इस तरह से हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल लम्स फ्री बनेगा, उसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। घोल बनाने के बाद हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, जिससे कि जो बेसन है वो अच्छी तरह से फूल जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। 15 मिनट हो चुके हैं, बेसन अच्छी तरह से फूल चुका है। अब हम इसमें फ्रूट सॉल्ट यानी कि इनो, इसको मिक्स करेंगे। इससे पहले हम अपना पैन तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने फूड ग्रेड कंटेनर लिया है, जो कि माइक्रोवेव सेफ है। इसको हम अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे। चारों तरफ अच्छी तरह से ऑयल लगाने से जो हमारा ढोकला है वो उस पर चिपकेगा नहीं। जो बेसन है अब हम इसमें इनो डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तेज़ी से। इनो डालने से ये बहुत तेज़ी से फूल कर ऊपर आएगा बेसन। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इस बैटर को हम ऑयल वाले कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और थोड़ा सा डैब डैब करेंगे, ताकि जो इसका शेप है ऊपर से वो इवन हो जाए, एक सा हो जाए, और जो इसकी बबल्स हैं थोड़ी निकल जाएं। अब हम इसको माइक्रोवेव में रखेंगे 5 मिनट के लिए। बस 5 मिनट में हमारा जो ढोकला है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है ये ढोकले की, और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है और बड़ा ही मज़े का होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। इसके लिए हमने करी पत्ता, हरी मिर्च, 2 बड़े चम्मच चीनी के, और राई और नींबू का रस लिया है। ढोकले को हम अपने नीड के हिसाब से पीसेस में कट कर लेते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना स्पॉन्जी है, और कितनी खूबसूरत इसमें जालियाँ पड़ी हैं। सारे पीस बिल्कुल इवनली एक से सॉफ्ट हैं। अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। इसके लिए हमने 1 चम्मच ऑयल लिया है पैन में। इसमें सबसे पहले हमने हरी मिर्च डाली है, करी पत्ते डाले हैं, और 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ पर चीनी के डाले हैं, और 1 चम्मच राई का डाला है, और 1/4 चम्मच हमने यहाँ नमक भी डाला है। अब इसके बाद हम 2 कप यहाँ पर पानी डालेंगे। अब इसको चलाएंगे ताकि जो चीनी है वो नीचे लग ना जाए, और इसमें अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे, ताकि पानी में जो कच्चापन है वो पानी का कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ पर इसको चलाकर हम टेस्ट भी कर सकते हैं। हमें अगर मीठा या जो हमें टेस्ट है वो सही लग रहा है तो ठीक है, अगर मीठा कम लग रहा है तो आप यहाँ और मीठा डाल सकते हैं। बस ये बिल्कुल तैयार है। अब हम जो गैस है उसको बंद कर देंगे, और यहाँ पर हमने 2 नींबू लिए हैं, 2 नींबू का रस इसमें डाल देंगे, और ये तड़का ढोकले के ऊपर अच्छी तरह से डालेंगे। ढोकला हम इस टाइम किसी डीप पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ताकि जो इसका जूस है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, और उसी से ही ये जो पीस है सॉफ्ट बनेंगे। अगर आपको ये तड़का या पानी इसका कम लग रहा है तो आप दोबारा बनाकर और भी डाल सकते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट, स्पॉन्जी,
और जूसी जूसी ढोकला तैयार है। आप बिल्कुल इसी तरीके से ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे इस रेसिपी को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।